हेलो चैंपियंस, तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे पर्टिकुलरली एपीएफसी के डीप सिलेबस के बारे में। पहले भी हमने एपीएफसी के सिलेबस पे बात की है, लेकिन उसके बाद भी आपने बोला था कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में बात कीजिए, कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो डीप सिलेबस के बारे में आज हम पर्टिकुलरली एपीएफसी के बारे में बात करेंगे। ईओ के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो इसी तरह का बनाएंगे, लेकिन आज हम पर्टिकुलर एपीएफसी के बारे में डीप सिलेबस की बात करेंगे। तो इसको सेगमेंट वाइज अगर हम देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले एपीएफसी को सेगमेंट वाइज हम देखते हैं, तो सबसे पहला सेगमेंट इसका आता है जो ईपीएफओ स्पेशल के नाम से आप इसको जानते हो, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सब पार्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस, ये चार चीजें हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉज और इंश्योरेंस, इन चारों के लिए आपको लॉस पढ़ने हैं। ठीक है, लेबर लॉस पढ़ने हैं, डीप पढ़ने हैं, गजट से पढ़ने हैं। क्वेश्चन डीप आता है एपीएफसी में। ठीक है, क्योंकि एपीएफसी बन के आपको इन्हीं सारे रूल्स को चेक करना है, डिफाइन करना है। आपको कोई दिक्कत किसी को आ रही है तो उसको सॉल्व करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, तो आपको डीप ये लॉस पढ़ने होते हैं। अब 44 जो लेबर लॉज सब्स्यूम हुए थे उसमें से कौन से हैं, ये 19 जो है मतलब जरूरी है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में इसका लिंक जो लिख के इसको भेजा था वहां पर शेयर किया था, तो जो लोग नहीं ज्वाइन है ज्वाइन कर लीजिए, वहां से मैंने इसको भेजा था। वैसे हम बात करें मोस्टली कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आता है जहां से आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन पूरा डिफाइन होता है। सोशल सिक्योरिटी के लिए हम देखें तो काफी सारे हैं, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट है, कंपनसेशन है। ठीक है, इंश्योरेंस वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो ग्रेच्युटी, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, मिसलेनियस वाला ईपीएफ वाला एक्ट जिसके अंतर्गत आपकी संस्था आती है, ग्रेच्युटी इसमें आता है। इसके बाद हम बात करें अदर जो लेबर लॉज हैं, वेजेस से रिलेटेड है, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस, इक्वल रिमुनरेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में और क्या क्या आता है, ट्रेड यूनियन आता है। ठीक है, उसके बाद में आपका स्टैंडिंग ऑर्डर्स आता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सबसे मेन है। अगर हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करें, फैक्ट्री एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर वहां पे अदर एक्ट आते हैं। ठीक है, माइन एक्ट, प्लांटेशन एक्ट, ये इतने मायने नहीं रखते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जैसे है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स एक्ट है। ठीक है, इस तरह के किसी बिल्डिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट जो लागू होता है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर वाला, वो इसमें है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो सब्स्यूम्ड हो रहे हैं उसमें से 19 की लिस्ट है जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको शेयर की थी, जिसमें से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए जो हमको पढ़ने होते हैं। इसमें से मतलब डीप पढ़ना होता है, डीप यहां से आता है। इंश्योरेंस वाला पार्ट आपको फिर से बता दूं कवर होता है, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस, कंपनसेशन, जहां जहां पे एम्प्लॉई को आप इंश्योरेंस दे रहे हो। ये लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस नहीं है, ये इंश्योरेंस आप जो एम्प्लॉई को दे रहे हो उसके लिए क्या अच्छे से अच्छा आप उपलब्ध करा रहे हो, उससे रिलेटेड है। ठीक है, बात करें हम अगर आईआर की, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड जितनी चीजें आप इसके अंदर जो जो पढ़ सकते हो, ट्रेड यूनियन, फिर स्टैंडिंग ऑर्डर, जितनी भी सारी चीजें, पूरा एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, जहां से क्वेश्चन आते हैं वहां पे कौन सी बॉडी कहां पे एग्जिस्ट करती है, तो ये सारी चीजों से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए। सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो जो इससे रिलेटेड एक्ट्स हैं, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट में आप किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हो, ईएसआईसी एक्ट है, ठीक है, तो ये सारे एक्ट में आप किस तरीके सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर उसको डीप पढ़ना पड़ता है, इनमें कौन सी कमेटी काम करती है, ठीक है, कमेटी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट से उठाई जाती है फैक्ट्री की डेफिनेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से इंडस्ट्री की डेफिनेशन, डिस्प्यूट की डेफिनेशन। ठीक है, काम के घंटे उठाए जाते हैं फैक्ट्री आर से, ओवर टाइम उठाया जाता है फैक्ट्री आर से, वेजेस उठाई जाती है पेमेंट ऑफ वेजेस से। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वहां से क्वेश्चन बनता है। शेड्यूल से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, शेड्यूल कौन सा, किस कौन से शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सेक्शन जनरली नहीं पूछे जाते, लेकिन सेक्शन आपको यूपीएससी दे के पूछ लेगी कि इस सेक्शन के अंदर क्या है। ठीक है, तो पढ़ना होता है, सेक्शन का नंबर भले आपसे ना पूछा जाए, शेड्यूल का नंबर पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो पहला जो आपका सेगमेंट है जिसमें हम पूरा ईपीएफओ स्पेशल की बात करें, तो वहां पे आपको लेबर लॉस को ढंग से पढ़ना है, जो आपको 19 बताए हैं, डीप पढ़ना है, डीप वहां से क्वेश्चन आता है, शेड्यूल से आ सकता है, डेफिनेशन से आ सकता है, कमिटी से आ सकता है, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, हर तरह से आ सकता है। इसके बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग एपीएफसी के टर्म्स में हम बात करें ज्यादा नहीं आती, आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ लें सिर्फ। ठीक है, जो आपके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग के उनको पढ़ लें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही जरूरी है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं आता। ऑडिटिंग का बहुत छोटा सा पार्ट आता है, इसमें ऑडिटिंग के टाइप वगैरह और ये सारी चीजें क्या होती है, आया तो एक क्वेश्चन आया, नहीं तो नहीं आया, मतलब ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं होता है आपको। ठीक है, तो स्पेशल पार्ट हो गया आपका। इसके बाद हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री यहाँ पे मॉडर्न, मीडिएवल, एंशियंट और इंडियन कल्चर सारे ही पार्ट इसके आते हैं। इसमें आप एनसीईआरटी 6-10 पूरा फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनता है, आप प्रीवियस पेपर उठा के देखें, डीप क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एंशियंट से भी आता है, मॉडर्न से भी आता है, मॉडर्न का आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं। और अगर पूरा एक ही बार में करना है आपको, तो 6-12 की
आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए, इसमें सारी चीजें कवर हो जाती है। अगर आप अलग अलग करने जाएंगे तो कल्चर के लिए फिर एक बुक आएगी नितिन सिंघानिया की, ठीक है, मेडिवल के लिए अलग से बुक आएगी, मॉडर्न के लिए अलग बुक आएगी, एंशियंट के लिए अलग बुक आएगी, उसकी बजाय हिस्ट्री से पूरा करें या फिर हमारे साथ जैसे जिस्ट में हम पढ़ाते हैं वैसा करें, लेकिन कवर आपको पूरा करना होता है, ठीक है, सब तरफ से क्वेश्चन यहाँ पे आता है। इसके बाद ज्योग्राफी की आप लोग बात करते हैं कि सर इससे आता है कि नहीं आता है, तो कोई गारंटी नहीं, ज्योग्राफी की आया तो एक क्वेश्चन आया, नहीं तो नहीं आया, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से आप अभी छोड़ सकते हैं और बाद में लेटर ऑन अगर टाइम बचता है आपके पास तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो छोड़ के भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, इसमें गवर्नेंस भी जोड़ा गया है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, लेकिन लक्ष्मीकांत वाला पार्ट ही आपको करना होता है, ठीक है। लक्ष्मीकांत में कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीकांत में आपको पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है, जो आपके पहले के चार्टर एक्ट थे, जो संविधान सभा थी हमारी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसमें कौन से मेंबर थे, कौन से आए थे, कौन से गए थे, हर जगह से क्वेश्चन बनता है, पार्लियामेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहां से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी में रमेश सिंह एक बुक आती है, अगर आपको डीप पढ़ना है उसको कर सकते हैं, वैसे बेसिक जो है आपका 11 12th की एनसीईआरटी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स उनको ध्यान से पढ़ना है, और साथ में करंट में जितने टॉपिक है उनको ध्यान से पढ़ना है, करंट इकोनॉमी में बड़ा एक रोल प्ले करती है, ठीक है। जैसे ईओ की बात करें तो वहां करंट तक ही रह जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको 11 12th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी होती है, डीप करनी होती है, वहां से क्वेश्चन आता है। आपको प्रेजेंट ट्रेंड चल रहे हैं, मतलब जो भी करंट से रिलेटेड है वो आपको पढ़ना होता है, ठीक है, करंट में जो भी इकोनॉमी के टॉपिक आते हैं उनको डीप पढ़ना होता है। करंट अफेयर्स आपको कैसे पढ़ने, एपीएफसी के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है करंट अफेयर्स फॉर एपीएफसी करके, उसमें आपको डीप बताया, वो आप कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो ये आपका पार्ट हो गया है जीएस वाला, ठीक है, इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये मैंने आपको बता दिया है, स्पेशल वाला पार्ट बता दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश। देखिए 10 क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली वोकैब आती है, बहुत ज्यादा ग्रामर में आपको डीप नहीं घुसना है, एसपी बख्शी के जितने आप वोकैब कर सकते हैं उतने कर लीजिए, जितने आप मैक्सिमम नंबर यहाँ से ले सकते हैं ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद में सेक्शन आता है मैथ्स का, मैथ्स में आपके स्टैटिस्टिक्स को मिला के 30 क्वेश्चन लगभग आते हैं, पिछली बार आए थे, अगर 25 भी मानते हैं 20 भी मानते हैं, मतलब अगर कुछ फ्लक्चुएट भी होता तब भी बहुत बड़ा पोर्शन है, 1/4, 1/5, 1/6 ये कवर करेगा। आपको इसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सी सेट के अच्छे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मैंने एक मैथ्स स्ट्रेटजी करके अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं, अगर आपको मैथ्स की ही अलग से देखनी है, मैथ्स में आप कमजोर हैं, ठीक है, और बैचेस भी हमारे मैथ्स के अलग से भी हैं 500 रुपीज के, उसमें आप मैथ्स इंग्लिश के लिए अलग से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डीप पढ़ना होता है एपीएफसी वालों को स्पेशली, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आप पूरा स्कोर कर सकते हैं मैथ्स और इंग्लिश से, ठीक है। तो मैथ्स और इंग्लिश में अगर मान लीजिए 35 मार्क्स से लेकर 40 मार्क्स के बीच में आता है, तो यहां से अगर आप पूरा निकालते हैं 1/3 आपका पोर्शन कवर हो जाता है, आप इस रेस में बहुत आगे हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। इसके बाद में जनरल साइंस में आपको ज्यादा नहीं करना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 8th to 10th की एनसीईआरटी कर लीजिए जनरल साइंस के लिए, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, बहुत लिमिटेड टॉपिक आते हैं। कंप्यूटर का बहुत ही छोटा सा पार्ट आता है, ठीक है, कंप्यूटर किसी भी बेसिक बुक से आप कर सकते हैं, अगर आपको पर्टिकुलर एक बुक का ही नाम जानना तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर करके एक बुक आती है, उससे कर सकते हैं, फिर लेटेस्ट ट्रेंड में जो हो एसएससी या किसी के लिए भी आती हो, बेसिक पार्ट आता है, 5 क्वेश्चन मैक्स आ सकते हैं, ठीक है, और इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से स्ट्रेटजाइज करके आपको चीजों को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों ही टॉपिक आपको करंट से कवर करने, और करंट में जितना इनसे रिलेटेड आता है उतना आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका सारा था, आप स्ट्रेट जाइज इसको कीजिए, एक स्पेशल वाला पार्ट हो गया, एक इंग्लिश मैथ्स का पार्ट हो गया, एक जीएस का आपका पार्ट हो गया, एक करंट अफेयर्स का आपका पार्ट हो गया, तो इन्हीं 4 पार्ट में मिला के पेपर है। किस पार्ट से आप कितने नंबर ले सकते हैं, आपको 120 में से लगभग 90 के आसपास, 85 से 90 के बीच में आपके मार्क्स आपको लेके आने हैं, लगभग 70-75% के बीच में, वो आपको कहाँ से कवर करने, किस पोर्शन से कवर करने, किस जगह से कवर करने, वो आप देख लीजिए और पूरी प्लानिंग करके आपको जाना, और वहां से उतने मार्क्स लेके आने हैं, ये सारी प्लानिंग आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए, ठीक है। कि कहीं भी दिक्कत आती है आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, कोर्सेज अवेलेबल है, नवरात्रि ऑफर का आज लास्ट डे है, बैक टू ओरिजिनल प्राइसेस हैं, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है, और जो भी दिक्कत हो टेलीग्राम पे लिंक ऑफिशियल ग्रुप का आपको मिल जाएगा, वहां से आप मुझे डायरेक्टली पर्सनल मैसेज करके जो भी दिक्कत है पूछ सकते हैं। आपकी तैयारी में ओनली सिलेक्शन वर्ड आपके पूरे साथ है, और यही उम्मीद करेंगे कि इस साल आप एक जॉब लेके निकलें एपीएफओ से। ओके, इसी उम्मीद के साथ गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।